brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. दिग्विजय सिंह का प्रचार करने मैदान में उतरी ममता मीणा ने जयवर्धन सिंह को ही चैलेंज दे दिया। चाचौड़ों में चुनाव प्रचार करने पहुंची ममता मीणा ने दिग्विजय सिंह के सामने ही जयवर्धन सिंह को लेकर बयान दे दिया। उन्होंने दिग्विजय सिंह को संबोधित करते हुए कहा कि जो आपके सुपुत्र विधायक है वो यहाँ आए नहीं, मैं उनसे कहती कि हमारा कॉम्पिटिशन तो आपसे भी है, हम तो चाचौड़ा को एक नंबर पर लाएंगे और राघोगढ़ को भी पीछे छोड़ देंगे। पूरे मध्य प्रदेश में चाचौड़ा एक नंबर पर आना चाहिए। यदि अगर गठबंधन के माध्यम से आप कमर कस के आप लोग लग जाइए, और एक चीज और कहना चाहती हूँ मैं राजा साहब से कि हमारे तो अभी आपके जो क्योंकि सुपुत्र जो विधायक जी वो आए नहीं तो उनसे भी कहती भैया हमारा तो कंपटीशन आपसे भी है, भैया हम तो चाचौड़ा एक नंबर पे ला के रहेंगे, एक नंबर पे रावगढ़ को भी पीछे छोड़ने वाले, हम रावगढ़ को भी हम चाचौड़ा एक नंबर पे लाएंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में चाचौड़ा एक नंबर पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आपसे पूछते आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप लोगों के दम पे मैं माननीय राजा साहब को विश्वास दिला रही हूँ। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जब ममता मीणा को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। फिलहाल ममता मीणा इंडिया गठबंधन की तरफ से दिग्विजय सिंह का प्रचार कर रही हैं और बीजेपी को हराने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, एमपी तक।